हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, रिसेंटली एसवीएम मोटर्स ने अपनी एक इलेक्ट्रिक बाइक प्राणा को इंडिया में लॉन्च किया है। प्राणा इलेक्ट्रिक बाइक की बातें पिछले काफ़ी टाइम से चल रही थी। कोविड-19 के कारण ये बाइक काफ़ी हद तक डिले हो गई, लेकिन फाइनली ये बाइक अब इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च हो चुकी है। इसके हमें 3 वेरियंट्स देखने को मिलेंगे। एक है प्राणा क्लास, जो अभी आने वाला है, आया नहीं है। दूसरा वेरियंट है प्राणा ग्रैंड और टॉप वेरियंट है प्राणा इलाइट। प्राणा इलेक्ट्रिक बाइक के बारे में बातें करने से पहले इसकी कंपनी के बारे में आपको थोड़ा बता दूं। एसवीएम मोटर्स के को फाउंडर हैं मोहन राज रामास्वामी, जो पहले भी काफ़ी सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरर कंपनीज में काम कर चुके हैं, इंक्लूडिंग टेस्ला। अब बात करते हैं इस बाइक के बारे में। यहाँ पर हमें एयर कूल्ड BLDC मोटर मिलता है, जिसमें काफ़ी अच्छा खासा टॉर्क है। ये बाइक 0 to 60 की स्पीड 4 सेकेंड में अचीव कर सकती है और इसकी टॉप स्पीड है 123 किलोमीटर। यानी परफॉर्मेंस के मामले में ये बाइक एक 150cc सेगमेंट की पेट्रोल बाइक को कम्प्लीट करती है। इस बाइक में हमें ट्रिपल चैनल ABS मिलता है। फ्रंट टायर में ड्यूल डिस्क सेटअप है और रियर टायर में सिंगल डिस्क सेटअप है, तो ब्रेकिंग यहाँ पे डेफिनेटली काफ़ी अच्छी होने वाली है। बाकी इस बाइक के टायर साइज की डिटेल्स आपकी स्क्रीन के सामने है। प्राणा ग्रैंड और प्राणा इलाइट में मेनली बैटरी का डिफरेंस है, बाकी सारी चीज़ें सेम हैं। ग्रैंड वेरिएंट में हमें 4.32 किलोवाट आवर की लिथियम आयन बैटरी मिलती है, जो कि 4 hours and 15 minutes में फुल चार्ज होती है और अप टू 126 किलोमीटर तक का रेंज देती है। वहीं इलाइट वर्जन में हमें 7.2 किलोवाट आवर की लिथियम आयन बैटरी मिलती है, जो कि 6 hours and 30 minutes में चार्ज होती है और अप टू 225 किलोमीटर तक का रेंज देती है। बाइक में हमें टेलीस्कोपिक सस्पेंस मिलता है, रियर साइड में ड्यूल शॉक एब्जॉर्बर्स मिल जाते हैं। इस बाइक में हमें फ्रंट में ड्यूल LED हेडलैम्प मिलती है, पीछे भी LED टेल लाइट है और यहाँ पे इंडिकेटर्स भी LED के हैं। इस बाइक में हमें 3 राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं, इसके अलावा एक रिवर्स मोड भी है। इस बाइक को बनाने के लिए ड्यूल क्रेडल फ्रेम का यूज़ किया गया है और इसका टोटल वेट है 165 kg। इस बाइक के ग्रैंड वर्जन की प्राइसिंग है 2 lakh rupees और इलाइट वर्जन की प्राइसिंग है 2 lakh 75 thousand rupees। इस बाइक को खरीदने के लिए कंपनी ने एक EZMI स्कीम भी लॉन्च की है, जिसमें कस्टमर 5,200 rupees 3 years तक पे करके भी इस बाइक को खरीद सकता है। बाकी इस बाइक की बुकिंग स्टार्ट हो गई है, आप चाहे तो इस बाइक को बुक कर सकते हैं और इसकी डिलीवरी मार्च मंथ से स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, इस बाइक के लिए बस इतना ही, और तो कुछ ज़्यादा बातें करने के लिए है नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर दो। अगर आपका इस बाइक के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब हम मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।